आइए जो है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो आप लोग ध्यान से देख लिए। क्वेश्चन है हमारा नीट का जो है 2018 का क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या हम लोग ध्यान से पढ़ते उसके बाद करते। दिया है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी एंड हैविंग ए चार्ज क्यू एंड एरिया ए। ठीक है, बस इतना ही दिया। फिर उसके बाद क्या दिया, फिर से द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी, मतलब कोई जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उस पर कितना है तो सी कैपेसिटर है, हैविंग कितना है चार्ज इसका क्यू है एंड एरिया कितना ए है इज, किस पे डिपेंड करता है। देखिए इसका मतलब ये हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैपेसिटर में हमारा क्या है, एरिया है क्यू चार्ज सी कैपेसिटर है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पे डिपेंड, मतलब फोर्स किस पे डिपेंड करता है, अगर हमारा क्या हो अरे कैपेसिटर हो तो उस पे फोर्स किस पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, मतलब प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट जो उसके बीच में डिस्टेंस होता है उसके जो है स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है। पहला क्वेश्चन लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, मतलब जो उनके बीच में डिस्टेंस होता है उसके लीनियरली प्रोपोर्शनल होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, क्या उन दोनों के प्लेट के बीच के डिस्टेंस के जो है इंडिपेंडेंट होता है, मतलब डिपेंड नहीं करता है डिस्टेंस पे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन, क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इसमें से ऑप्शन बताना। ठीक है, तो आया समझ में आपको, तो देख लीजिए अगर हम लोग बात करते, देखिए तो हम लोग क्या पढ़े हैं, अगर हम लोग इस पे जाते हैं तो देखिए क्वेश्चन का सलूशन अगर हम ले लेते हैं, देखिए कैसे क्या करना है, तो हम लोग जानते हैं F इक्वल टू होता है कितना, तो क्यू ही होता है, तो ये मान के चलिए हमने कैपिटल Q लिख दिया, चार्ज कितना है कैपिटल Q है, ठीक है ना, यही ना, और F इक्वल टू हमने क्या देखा, आप लोग ध्यान समझिए एकदम समझ जाएंगे, क्या हमने देखा कि Q हमारा चार्ज है और E जो है हमारा क्या है प्लेट पे कितना चार्ज, अगर चार्ज डेंसिटी टर्म में लिखेंगे तो E अपान एप्साइलन नॉट हो जाएगा, कितना हो जाएगा E अपान एप्साइलन नॉट, तो F अपान तो ये हो गया, और E की जो वैल्यू है हम लोग जानते हैं क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, तो जिसकी वैल्यू क्या होता है Q अपान कितना होता है A होता है, तो अगर इसकी वैल्यू रखें तो यहाँ से तो Q अपान कितना हो जाएगा A और एप्साइलन नॉट, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना Q स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा A एप्साइलन नॉट, ठीक है ना, कितना आ गया हमारा A कैप इक्वल टू Q स्क्वायर A एप्साइलन नॉट, इसका मतलब देखिए Q चार्ज हो गया, A जो है हमारा क्या हो गया, तो हम अगर फोर्स की बात करते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके चार्ज के, मान लो स्क्वायर के, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया हमारा क्या हो गया कि इसके एरिया के, पर इसमें हमने क्या देखा कि डिस्टेंस है ही नहीं, तो ये टर्म नहीं है, इसका मतलब अब आप देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा ले सकते हैं इसमें से, तो हमारा ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो हम सी जो है ऑप्शन के साथ जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन देखिए कौन सा है, सी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ फॉर्मूले में दिखा फोर्स के फॉर्मूले में डिस्टेंस कहीं है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सी वाला सही है, क्या होगा इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, क्या इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, मतलब ये प्लेट के डिस्टेंस के जो है दो प्लेट के बीच के सेपरेशन का जो डिस्टेंस होता है उस पर क्या है इंडिपेंडेंट होता, मतलब उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है, उस पर ये क्या है हमारा एक तरह से क्या होगा कि वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, उस पर क्या है हमारा जो फोर्स होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, मतलब डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है, तो उसके सेपरेशन के डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए हमारा ऑप्शन सी है, तो आप लोग ध्यान से देखें, तो सबसे पहले क्या हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी हैविंग ए चार्ज क्यू एंड एरिया ए, तो प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट नहीं होगा, लीनियर प्रोपोर्शनल टू इस फॉर्मूले फोर्स का फॉर्मूला दिखाना ना, इसलिए फोर्स का फॉर्मूला क्यू स्क्वायर अपॉन ए एप्साइलन, तो हमने देखा क्या होगा
कि लीनियर प्रोपोर्शनल इसमें डिस्टेंस है ही नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम तो इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि इसमें डिस्टेंस नहीं है, और क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ये भी नहीं है। एरिया अगर बोलता तो मिल जाता पर एरिया नहीं बोला इसलिए हम लोग का आंसर ओके। चलिए तो आप लोग ध्यान से देख लें, आप जो है एक एक क्वेश्चन को मैं बारी बारी से लेके आ रहा हूँ, मैंने जो है हर क्वेश्चन का ईयर डाल रखा, तो आप लोग देखिए प्रीवियस ईयर्स के मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए को मतलब मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग चैप्टर वाइज कराए इसलिए ये क्या है सेकेंड चैप्टर का है, तो अगले जो है जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी कराने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और हमारे चैनल को क्या करिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, जिससे आप लोग को पास जैसे मैं वीडियो डालूँ आपके पास पहुँच जाए, ठीक है। चलिए थैंक यू।